हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे दाल भिगाई हुई थी मम्मी की, ये जो काली दाल होती है उड़द की दाल, तो धोई थी मम्मी ने। और यहाँ पे ये जो मेरी सास है ये पीस रही हैं। और लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा है ये इस टाइम पे, शाम का टाइम। तो ये हल्दी वगैरह डाली है इसमें और सिलबट्टे पे पीस रही हैं, क्योंकि शाम को पकौड़ी वगैरह बननी है। क्योंकि आपको पता ही है गढ़वालियों की जो फेवरेट डिश वो पकौड़ी ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ये परंपरा काफ़ी पहले से चली आ रही है कि जो ये पकौड़ियाँ हैं ये विशेष बनती ही बनती है, वो भी खासकर दिवाली में तो ज़्यादा ही बनती है। तो दाल वगैरह हम लोग जैसे रात में भिगा देते हैं और इसको फिर मतलब दिन के टाइम धोना होता है और फिर सिलबट्टे में पीसना होता है। कई लोग मशीन में भी पीस लेते हैं, लेकिन दाल पीसने वाली मशीन नहीं है हमारे यहाँ। तो फिर मतलब ये जो मेरी सास है ये सिलबट्टे में पीस रही थी दाल यहाँ पे। मैं बनाऊंगी, नमक लग गया। मैं उजाला कर रही तुम पे ना, तब उजाला बेटा। गंदी बात होती है ना। ये देखो मामू मौसा क्या बना रहे, देखो यहाँ पे आके देखो मौसा बना रहे हो। देखो और यहाँ पे रंगोली का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। तो रंगोली बनाई जा रही है हल्दी और आटे का यूज करके। और यहाँ पे अन्नू बना रही है, अन्नू के मौसा जी बना रहे हैं साथ में, और हन्नी भी थोड़ा बहुत कर रहा है मेहनत अपनी। तो यहाँ पे मतलब कलर लेके आने थे, लेकिन कलर का ध्यान किसी को भी नहीं रहा। तो चलिए इस बार की जो दिवाली है वो इसी तरह रही, अगले साल करेंगे जो कुछ करना है। तो यहाँ पे जैसे ये हन्नी, इसने भी मतलब ड्रेस वगैरह पहन लिया, अच्छे से तैयार हो गया है। और सन्नी यानी मेरी जो बहन का लड़का है वो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। और बच्चों को तो उसी टाइम कपड़े पहनाओ, उसी टाइम कर देते हैं इधर उधर। तो यहाँ पे इसके पापा भी अभी आए थे, थोड़ी देर पहले लग गए थे। और ये देखिए गर्मा गर्म पकौड़े ये सास ने बना दिए थे पकौड़े, तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया। और मम्मी स्वाले वगैरह की तैयारी कर रही है बनाने की, अभी काफ़ी काम है। और यहाँ पे ये देखिए रंगोली इस तरह से बनाई है, बताइएगा ज़रूर कैसी बनी है रंगोली। सुंदर लग रही है वैसे दिखने में। और जो ये है मेरा भाई, तो ये कहीं गया हुआ था तो ये भी आ गया था उसी टाइम। और सास वो चूल्हे पे लकड़ियाँ वगैरह मतलब जला रही थी, क्योंकि उसको सिकाई करनी होती। हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी बोल बोल हैप्पी दिवाली। सन्नी बोलो हैप्पी दिवाली। ये दिवाली गोली, अपना चेहरा तो बता दे। हाँ अपना चेहरा तो दिखा जरा। अरे रे तो भैया कोई बात नहीं, अब उनके लगाई तूने, मेरी सास की लगा दी। टिक्का लगा दिया, छोटी की भी लगा दिया। अच्छा यहाँ पे मेरी जो छोटी बहन है इसने मतलब दिया वगैरह सब दे दिया था। मैं तो नहीं जा सकती अभी अंदर, अभी मेरी 11 दिन की पूजा हुई है, अभी 21 दिन वाली पूजा मतलब बची हुई है। तो इस कमरे में मतलब मेरा जाना वर्जित है, अभी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे इसी ने किया है जो कुछ करना है, दिया वगैरह सब जलाया है, टीका वगैरह सबके लगा दिया है अच्छे ढंग से। हाय करना, हेलो ऐसे करना। हाय हैप्पी दिवाली। ये मेरा भाई है आसू और ये छोटी बहन रीना, आज रीना कर रही है यहाँ पे पूजा। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ दिवाली किस किस तरह से मनाई है। हमारे यहाँ तो जिस तरह से मनाते हैं वैसे ही मना रहे हैं, जिस तरह से हम लोग मनाते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मिठाई के डब्बे कितने सारे हो गए हैं, मतलब जो भी मतलब आया है वो एक एक डब्बा लेके आया है। तो यहाँ पे देखिए स्वाले वगैरह बन चुके हैं, पकौड़े वगैरह सब तैयार हो चुके हैं।
तो यहाँ पे मम्मी ये मतलब कुछ तो मतलब देने के लिए बनाए थे जो अगल बगल देते हैं, और कुछ मतलब अपने परिवार के लिए बना रही है। और ये अंडे भी दिखा रही है, अंडे मतलब मेरे लिए लाए थे हन्नी के पापा, एक ट्रे लेके आए हैं। तो मैं एक एक मतलब बॉयल करके रोजाना खाती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए तेल कितना काला सा हो गया है ना। पकौड़ियाँ भी तो सास ने, खैर मैंने बताया आपको, बना दी थी। और ये स्वाले मतलब धीरे धीरे बन रहे हैं, थोड़ा बांट भी रहे हैं इधर उधर अगल बगल वालों को, और थोड़ा थोड़ा जैसे अपने परिवार के लिए बन रहे हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है, इस बार की दिवाली मेरी ऐसे ही रही है, क्योंकि मैं सिंपल ही खाना खा रही हूँ, दलिया हलवा और रोटी वगैरह भी खा ले रही हूँ मैं, लेकिन सिंपल रोटी खा रही हूँ। तो मेरे को कुछ भी नसीब नहीं हुआ इस बार खाने को। और मतलब मन तो कर रहा था पर क्या करें, मजबूरी है, नहीं खाया तो नहीं खाया, कोई बात नहीं। और चलिए अगले साल तो मनाएंगे ही दिवाली, तो अगले साल खा लेंगे अच्छे ढंग से। और यहाँ पे ये देखिए रात भी हो गई थी, काफ़ी रात भी नहीं हुई है, ओनली 9 बजे का टाइम हो रहा था ये। तो इन्होंने मतलब जैसे खाना वगैरह तो सब बना दिया था, तो चलिए मैंने कहा कुछ पटाखे ही फोड़े जाएं। तो यहाँ पे हन्नी, ये सन्नी और हन्नी के पापा, मेरी बहन, ये सबके सब मतलब पटाखे वगैरह मतलब यहाँ पे फोड़ रहे थे। तो ये देखिए ये है मेरी बहन का लड़का, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इसके पापा पटाखे फोड़ रहे थे, और ये मैं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जलाए हैं, काफ़ी मतलब तो नहीं जलाए लेकिन थोड़ा बहुत जो बन पड़ता है। और ये मेरी सास यहाँ पे खड़ी है, मतलब मना कर रही थी कि छोटी बच्ची अंदर है, तुम लोग मतलब इतना शोर शराबा कर रहे हो। साल भर में एक बार आता है, रोशनी का त्यौहार है ये, तो आप भी अपने परिवार के साथ प्यार से खुशी से मनाइए दीपावली, सबके जीवन में खुशियाँ लाए, मैं यही कामना करती हूँ। तो आप लोगों की दिवाली भी अच्छी रही होगी, हमारी भी बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल हो जाता है जब इतने परिवार इकट्ठा होता है। और ये देखिए हम लोग फोड़ रहे हैं यहाँ पे पटाखे वगैरह सबके सब। तो बताइएगा आज आपको वीडियो कैसी लगी, थोड़ा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियो इसी तरह मिलती रहे। और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बना सकूं आपके मतलब मोबाइल पे नोटिफिकेशन बेल आए, और ताकि आप मेरी वीडियो देख सकें। तो यहीं पे मुझे अपनी वीडियो का एंड करना पड़ेगा, बताइएगा कैसी लगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।